वैश्वर महादेव मंदिर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां आज कांवड़ यात्रा पहुंच चुकी है और धीरे धीरे सभी कांवड़िया भगवान को अभिषेक करेंगे। तो यहां के बाद जो है रुद्र अभिषेक के लिए लोटे खोले जा रहे हैं और उसके बाद अभिषेक जो है वो भोलेनाथ को रुद्र अभिषेक किया जाएगा। और इस तरफ आप देखिए बड़ी लाइन लगी हुई है, पड़ने वाली है। एक तरफ 151 पंडित जी द्वारा यज्ञ रुद्र अभिषेक किया जा रहा है, वहीं आप देखिए जल भरे लोटे। तो ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि 21 किलोमीटर की यात्रा करके देखिए सभी कांवड़िए आप पहुंचे हैं वैश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करके। ये पूरा मंदिर है, आप देख पा रहे हैं प्राचीन मंदिर है। सभी कांवड़िए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ को अपना जल अर्पित करना चाहते हैं। पूरे थके हुए हैं, 21 किलोमीटर की यात्रा 8:30 बजे से रवाना हुई, जो 1 बजे के आसपास कुछ पहुंचे और 4 बजे तक लोग यात्रा पहुंचने वाली है, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए हर हर महादेव के नारों से देखिए कितना गूंज उठा है और पूरा हर 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 भोले शब्दों को देखिए रुद्र अभिषेक किस प्रकार से किया जाता है। सभी अपना अपना जल महादेव जी को अर्पण करेंगे। सभी लकड़ियों को वापस संभाला जा रहा है ताकि अगले वर्ष काम आ सके। आप देख पा रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों अभी कर लीजिए और देर मत लगाइए। आप बड़ी संख्या में जुड़े हुए लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इस वक्त का मान बढ़ाइए। और पूरा दृश्य आप देखिए अरावली की पहाड़ियाँ हैं और अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये खूबसूरत सा स्थान है। कांवड़िए की कतार लगने वाली है, बहुत लंबी कतार लगने वाली है। कुछ ही देर में हम सभी कांवड़ियों से डोर टू डोर बात भी करेंगे, तो चैनल के साथ बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कैसा लग रहा है?